Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and welcome to my YouTube channel. So today we are gonna discuss about product planning and pricing decisions. जी हाँ, मैं इस बार export semester 6 का तुम लोगों को थोड़ा बहुत knowledge देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों ने मुझे demand किया था to teach export marketing. All right. फिफ्थ सेमेस्टर में मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग नहीं वीडियो अपलोड कर पाई हूँ, तो बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम्हारा जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग सेमेस्टर 6 है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉड्यूल 1, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन का जो चैप्टर है, ठीक है, उसका जस्ट फर्स्ट पार्ट हम करेंगे कि प्रोडक्ट प्लानिंग होता क्या है सबसे पहले तो. ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है ना, अगर हमने बात किया है प्रोडक्ट प्लानिंग का, ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग दो वर्ड है, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है प्लानिंग. ऑल राइट, अब जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो भी एंटरप्राइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट. अब जब इन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से प्लान की हुई ये चीज़ें होती है, तभी ही तो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाती है. अगर प्लानिंग बराबर नहीं हुई तो वो फेलियर बन जाती है. तो प्लानिंग अगेन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्व किरदार जो करता है कि अगर हमने अच्छे तरीके से चीज़ें प्लान की हुई है, वर्कआउट किया हुआ है, तभी जाके हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे तरीके से चल पाएगा. राइट, सो प्रोडक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट को अगर मैंने अच्छे तरीके से पहले से प्लान किया हुआ है, प्रोसीजर के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो हम अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से है. और अगर मैंने प्लानिंग किया है तभी तो जाकर हम अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट पर. ठीक है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलता है. जैसे कि तुम लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा होगा PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना, कि तुम लोगों ने पहला तुम लोगों के सिर्फ दिमाग में आया कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है. ऑलराइट, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा इंट्रोडक्शन, फिर जाके थोड़ा सा डेवलप होगा, ठीक है, फिर जाके ग्रोथ होगा, मैच्योर्ड होगा. अगर अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा, तुम लोगों ने अच्छे से प्लान नहीं किया वर्क, तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा डिक्लाइन स्टेज. ऑलराइट, सो प्रोडक्ट प्लानिंग इज नथिंग बट इट इन्वॉल्व्स प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अब प्रोडक्ट मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिसीजन लेते हैं, प्रोडक्ट डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें करनी है. तो तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन. सो हु टेक्स द डिसीजंस, इट्स नो वन बट द प्रोडक्ट मैनेजर एंड द मार्केटिंग मैनेजर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन एरिया. सबसे पहले है तुम्हारा प्रोडक्ट डिज़ाइन. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारा डिज़ाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ही जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ नया लेकर आ सकते हैं, है ना. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से डिज़ाइन करना है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. उसके लिए हमें रिसर्च करना है, मतलब मार्केटिंग की रिसर्च करना है, हमें जानना है कि मेरे भाई कस्टमर का प्रेफरेंसेस क्या क्या है. ठीक है, मुझे अच्छे तरीके से क्या करना है, R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलप करना है, कुछ कुछ नया इनोवेशन लेकर आना है, तब जाके हम अपना प्रोडक्ट जो है क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल iPhones, है ना, iPhone क्या करता है, मतलब लाइक हर एक उसका जो भी न्यू फोन्स आते हैं वो क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है, कुछ नया लेकर आता है ना. वही तो उनका क्या है, स्ट्रैटेजी है कि मेरे कस्टमर को अब क्या चाहिए, कुछ नया प्रेफरेंस, है ना, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया लेकर आना, कुछ मॉडिफाई करना. क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट मिक्स, है ना. जो एक्सपोर्टर होता है वो डिसाइड करता है कि हमें प्रोडक्ट किस तरीके से डील करना है, मुझे प्रोडक्ट मिक्स करना है, सिंपल प्रोडक्ट रखना है या प्रोडक्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल अमूल, है ना, अगर हमने अमूल की बात की है, हमें पता है अमूल डील्स विथ मिल्क प्रोडक्ट. ऑलराइट, अब अमूल वाला क्या करेगा, चीज़ हो गया है, बटर हो गया है, फिर बटर मिल्क हो गया है,
ऑल राइट, चॉकलेट्स जो हो गई वो मिल्क की है, तो ये सब कुछ दे नो देयर प्रोडक्ट लाइन, तो उसके हिसाब से ही उन लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएंगे। ऑल राइट, तो एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादातर डिसाइड करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन द प्रोडक्ट और टू डील विद द प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट लाइन। अब मैं साइमल्टेनियसली हिंदी और इंग्लिश बोल रही हूँ ताकि तुम लोग अपने आंसर्स को तो इंग्लिश में ही लिखना है ना, तो इंग्लिश भी अच्छे तरीके से तुम लोग साइमल्टेनियसली लिख लो, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है कि एक्सपोर्टर शुड डिसाइड वेदर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन प्रोडक्ट और डील विद अ प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन, है ना। प्रोडक्ट मिक्स इन्वॉल्व अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट अमूल, क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट पैकेजिंग, किस तरीके से तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो पैक हो रहा है। सी, प्रोडक्ट पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तुम्हारा प्रोडक्ट अगर अच्छे तरीके से पैक हुआ तो ही तो तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, और अच्छे तरीके से तुम क्या कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओगे, राइट। तो प्रोडक्ट पैकेजिंग की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्टर शुड डिज़ाइन द प्रॉपर पैकेजिंग। पैकेजिंग सर्व्स वेरियस पर्पस सच एज प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। उसका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल सी वी नो अपर क्लास ऑडियंस, है ना, तो उस तरीके से क्या करेगा एक्सपोर्टर, पैक करेगा, कैसे पैक करेगा, हाई क्वालिटी। बिकॉज अगर हम बात करें अपर क्लास ऑडियंस मोर प्रीफर्ड फॉर यू नो हाई क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएट डिज़ाइंस, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उस तरीके से तुम लोग अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लेबलिंग। जब हम लेबलिंग की बात करते हैं, लेबलिंग इंडिकेट करता है कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। जैसे तुमने पैकेज पैक किया है वैसा तुम्हें क्या करना है, लेबल करना है, तो ही तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रमोट होगा, ठीक है। अब बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर अलग अलग यू नो तुम लोग लैंग्वेज अलग अलग कंट्रीज़ में अगर तुम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या लेबल होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश करोगे, स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन, तो ये नॉर्मली क्या होता है, मतलब लाइक EU कंसिस्ट करता है, इंसिस्ट करता है कि ये चार लैंग्वेज में तो भाई होना ही चाहिए। तो एक्सपोर्टर ध्यान में रखेगा टू यू नो टू लेबल एट लीस्ट इन 4 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन यूरोपियन यूनियन, दैट इज़ इंग्लिश, स्पैनिश, फ्रेंच एंड जर्मन, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइजिंग। प्रोडक्ट मस्ट बी प्रॉपरली प्राइज्ड, है ना। सी, एक्सपोर्टर शुड कंसिडर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। एक्सपोर्टर क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेगा, तो वो कंसिडर करेगा प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। अगर हमने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात की है तो वो कंसिडर करेगा कॉस्ट, वो कंसिडर करेगा डिमांड, वो कंसिडर कर सकता है कॉम्पिटिशन। ऑल राइट, सो प्रोडक्ट मस्ट बी प्रॉपरली प्राइस। एक्सपोर्टर मस्ट चूज अ प्रॉपर मैथड ऑफ यू नो प्राइजिंग, सच एज मार्कअप प्राइस है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग है, ये हमने ऑलरेडी कॉमर्स में पढ़ा हुआ है। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्कअप प्राइस क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग क्या होता है। मेरे प्रीवियस वीडियोज TYBCOM कॉमर्स में है, तुम लोग जाके यू नो गो थ्रू कर सकते हो कि प्रोडक्ट प्राइजिंग के अलग अलग मैथड्स क्या है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज नथिंग बट डिस्टिंक्ट इमेज, है ना। अब पोजीशनिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग एफर्ट्स डायरेक्टेड एट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस। अगर हम नॉर्मली यू नो लोगों को ये पता है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी यू नो हमने आईफोन देखा तो लोगों को पता है कि वो एक्सपेंसिव है। सैमसंग हमने देखा तो ओके फाइन, सब लोग यू नो उसको अफोर्ड कर पाएंगे। वन प्लस हमने देखा तो एज कंपेयर करेंगे MI से तो यू नो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है वन प्लस। तो ये क्या है, ये इमेज है जिस तरीके से लोगों ने यू नो बना के रखा हुआ है। तो एक्सपोर्टर शुड एडॉप्ट एन इफेक्टिव पोजिशनिंग स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट एंड फेवरेबल इमेज इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर। पोजिशनिंग कौन कौन से बेसिस पे हो सकती है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट का फीचर कैसा है, उसके यूज़ क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा। देन
नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रमोशन। अभी पूरा हमने प्रोडक्ट प्राइसिंग कर लिया, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर लिया है, प्रोडक्ट मिक्स है क्या, प्रोडक्ट पैकेजिंग क्या करना है, लेबलिंग कैसे करना है, तो अब क्या आएगा भाई उसको प्रमोट कैसे करना है। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से आसानी से मार्केट में बिका जाए। तो प्रमोशन क्या क्या हो सकता है, प्रमोशन विल इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, इट विल इंक्लूड सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, ये सब क्या हो सकता है, तुम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो तुम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप्स भी होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट प्रमोशन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वारंटी। वारंटी इज नथिंग बट अश्योरेंस, अश्योरेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर दैट द प्रोडक्ट विल परफॉर्म एज स्टिपुलेटेड। तुम लोग ये एसी खरीदो, एटलीस्ट इसका एक साल का वारंटी है। तो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर तुम लोगों को अश्योरेंस दे रहा है कि मेरे तरफ से अगर तुमने एसी खरीदा है तो एटलीस्ट वो एक साल तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह, इफ द एक्सपोर्टर सेल्स इन डिफरेंट मार्केट देन ही मे हैव टू डिसाइड ईदर टू गिव द सेम वारंटी इन ऑल द मार्केट और टू कस्टमाइज, है ना। सी फॉर एग्जांपल, वेदर इंडिया का बहुत अलग है, फॉरेन कंट्री का वेदर बहुत अलग होगा। अगर वो इंडिया को वन ईयर का वारंटी दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्री में भी वो एक साल ही चलेगी, इट मे लास्ट फॉर 6 मंथ, इट मे लास्ट फॉर मोर देन 2 ईयर्स ऑल्सो, है ना। तो अश्योरेंस कौन से बेसिस पे हो रहा है। ऑल राइट, सो दिस वर सम ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजंस, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो तुम लोगों को जानना है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट प्राइजिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड प्रोडक्ट वारंटी। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का फर्स्ट मॉड्यूल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अप्रैल 2016 में पूछ चुका था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आया हुआ आंसर क्वेश्चन है, तो ये मार्क करना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब जब हम कुछ भी टॉपिक कवर करेंगे वी विल सी टू इट कि ये क्या यूनिवर्सिटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ऑल राइट, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे भेजना कि ये डाउट है। इन केस अगर तुम लोगों को कुछ और आंसर्स का कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स जानने हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। होप ये जो टॉपिक था वो इजीली समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।